It's 10 p.m. This time check was brought to you by Phoenix Battery. किसने कहा था पैसे बचा? Phoenix लगा और भूल जा. और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का. On Sono FM. FM Radio Network. इस क्रिकेट सीजन शेल वीमोला के साथ लगाएं मौके पे चौका, कोर्ट स्क्रैच करके जीतें यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और एसयूवी जीतने का मौका. शेल वीमोला, तरक्की के सफर में आपका साथी. शराय तो जवाबित लागू है. जब क्रिकेट का क्रेज रियल है तो फेक लिंक पर क्यों क्लिक कर रहे हो? तमाशा लाया सबके लिए वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री. अभी तमाशा ऐप डाउनलोड करो एंड एंजॉय द लाइव एक्शन और लातादार डेटा के लिए डायल करो *737# और जैस की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करके पाओ 100 GB डेटा जिसमें से 50 GB है सिर्फ तमाशा के लिए और 1000 ऑल इलेक्ट्रिक मिनट्स एंड SMS सिर्फ ₹500 में. और देखो हर मैच तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री. आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क. बेबी कम एंड टेक के चांस, मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे. Pure Pakistani playlist. Suno FM, Pakistani Awaaz. Aap sun rahe hain Suno FM 89.4. Suno FM Radio Network par aap sun rahe hain program Gupshup Ahmed Bilal ke saath. Just
मुझे बेखुदी में सुरूर है, ये मेरे जुनू का गुरूर है, मुझे बेखुदी में सुरूर है, मुझे बार बार न याद आ, मुझे हो सके तो वफा न दे, मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे, मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगने की अदा न दे, दिल में आतिश इश्क है, मेरी याद तुझको जला ना दे, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी याद तुझको जला। मोहतरम सामिन की खिदमत में बहुत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10:07 हुआ चाहते हैं, आज 22 अक्टूबर साल है 2023 इतवार की शाम, घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक करते हुए 12 की जानिब बढ़ रही है। तारीख बदल जाएगी, हालात नहीं बदलेंगे, तारीख बदल जाएगी, मगर सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। खैर कपोश उपाबा गिल, जिंदगी है जिंदगी, पिंडी इस्लामाबाद का मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है, कल रात भी हल्की फुल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद स्टेशन है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, सुन एफएम 89.4 आवाज़ सुनी जा रही है खैबर से कराची तक आपके एफएम डायल्स पर, उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे, एंड्रॉयड ऐप पर, दुनिया भर में पाकिस्तान के कोने कोने में ये आवाज़ जा रही है। कवाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के गांवों में, गोठों में, देहातों में, खेतों खलियानों में, चटीले पहाड़ों पर, दरियाओं के किनारों पर, और हो सकता है कि कहीं आप समंदर की लहरें अपने पसे पर्दा सुन रहे हों और कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हों। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक जी? मुझे अहमद बिलाल कहते हैं और गुज़िश्ता कई साल से कहते हैं। अब्बास अली खान की आप आवाज़ सुन रहे थे, मुझे बार बार। प्रोग्राम में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, फिल वक्त इंडिया 5/5 हो चुका है, 48 ओवर्स में 274 रन का टारगेट पूरा किया, विराट कोहली ने आज फिर 95 रन बनाए, और हमारे वाले जो कोहली हैं उनके रनों के इंतज़ार में पूरी कौम जो है बूढ़ी हो रही है। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था परसों तरसों वालदा के पास, किसी ने ये लफ्ज़ यूज़ किया रानो, तो मैंने अम्मी के पास बैठे बैठे ही गुनगुनाना शुरू कर दिया, रानो इको गल कहनी है जुदाई नहीं उसनी, पता नहीं कितने बरसों के बाद मैं सुन रहा हूँ, रानो इको गल कहनी है ओ जुदाई नहीं उसनी है, सोनी
ब्यूटीफुल ट्रैक, टेक इट अवे। Come down, me tell you, baby girl, you know you be grown down. Sweet Cupid, I know they won't lie, they like it, Janga. Let you marry Jean, don't allow you make it, Janga. Sweet Cupid, I know they won't lie, they like it, Janga. Let you marry Jean, don't allow you make it, Janga. Time to pull the curtain, you take my boot on, I'm sorry, जिंद अपनी में तेरे नामे लादा सोनी है नी। बड़े ही अरसे बाद सुना है, ऐसी मैं बैठा बैठा ना ऐसी बेवकूफों की तरह गुनगुनाने लग गया। राणो इको गल कहनी है, जुदाई नहीं उसैनी है। बहरहाल जी, प्रोग्राम में शिरकत के तरीके आपको बताते हैं जी। कॉल कर सकते हैं आप 051-111-111-894। टॉपिक क्या है आपको 10:15 की ब्रेक के बाद मैं बताता हूं कि आज हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा संजीदा बात भी करनी चाहिए, हर वक्त हम हंसी मजाक करते रहते हैं वो तो मैं करता ही रहूंगा ना, मेरी तबीयत का तो आपको पता ही है। उसके अलावा आपने अगर टेक्स्ट मैसेज करना है तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और 8881 पे यानी कि 8881 पर हमें भेज दें। और उसके बाद सुनो एफएम रेडियो का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जाके आप देखेंगे एक बंदे ने जो है ओवर एक्टिंग की हुई है, एक पोज बना के तस्वीर है बड़ी ज़बरदस्त, हमारी सोशल मीडिया टीम ने एक बैनर लगाया हुआ है। अच्छा है कि उन्होंने वो हैरत ज़दा जो मेरी तस्वीर है वो लगाना छोड़ दिया। उसके नीचे जाके आप कॉमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही 16 कॉमेंट आ गए थे और उसमें से सबसे मज़ेदार कॉमेंट था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे जी आपको अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनवाएं और आपसे अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत आपको एक गाने के बाद बताएंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो लफ्ज जो हमने पकड़ा है वो है सोनिए, कह रहे हैं जिंद अपनी मैं तेरे नामे लादा सोनिए। सो वापस आते हैं तो फिर देखते हैं इस लफ्ज के साथ हमारे पास क्या है। सुन रहे हैं सुन एफएम 89.4। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
on Suno FM. इस क्रिकेट सीजन शेल वीमुला के साथ लगाएं मौके पे चौका, कोर्ट स्क्रैच करके जीतें यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और एसयूवी जीतने का मौका। शेल वीमुला, तरक्की के सफर में आपका साथी। शरायत और ज़वाबित लागू है। सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। जी आप सुन रहे थे गपशप अहमद बिलाल के साथ। लव्स हमने पकड़ा था सोनिए, ये सब तो सोनिए, मैं तेरा हो गया, फाखर महमूद। थोड़ा सा आपका बीट म्यूजिक सुनवाते हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त M1, M2, M3, M4, M5 कहीं भी, या किसी नेशनल हाईवे पे, मरी एक्सप्रेस वे पे, इंटरस हाईवे पे, कहीं भी हैं, अच्छा लगेगा आपको। रस इशक दा कोले सानू पुली ना तेनू वेख के लूं लूं बोले नी सब दा सोनिए आई नी मन मोड़िए नी सब दा सोनिए आई नी मन मोड़िए मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया तो पहले एनजी बंदा कहंदा है कि सब तो सोनी है, हाय भी मनमोनी है, मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया। असल में तो गाना जो है वो तसव्वुर खान की आवाज में, आज इकरार करनिया मैं तेनु प्यार करनिया माही वे चनवे
ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਏ ਵੇ ਮਨਮੋਹਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨਕੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ आप सुन रहे हैं जी सुन एफएम 89.4 पर गपशप अहमद बिलाल के साथ जी आपको हाल ही में पता होगा कि हुकूमत ने एक इकदाम किया है और वो इकदाम ये है कि 31 अक्टूबर तक तमाम अफगानी महाजरीन जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने मुल्क में वापस चला जाएं आप क्या सोचते हैं कि जी ये अच्छा है मुल्क के लिए बुरा है आपकी क्या राय है अगर आपकी कोई राय है तब आप हमें कॉल कीजिएगा 051-111-1894 पे कॉल करके ये ना कहिएगा जी मुझे तो पता नहीं है ये कैसा इकदाम है मैं कॉल इसलिए की थी मेरी पसंद का गाना चलाते हैं गाने मैं अपनी पसंद के चलाता हूँ हमारा टेलीफोन नंबर है 051-111-1894 ये एक ऐसी बहस है जो कि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे हो रही है करीबी जो दोस्त हैं वो भी इस पे बहस कर रहे हैं जस्ट वांट टू हेयर द पर्सपेक्टिव ऑफ आर लिसनर्स के जी वो क्या कहते हैं कि ये जो हुकूमत ने इकदाम उठाया है और कहा है कि तकरीबन 4 मिलियन के करीब अफगानी महाजरीन हैं उनमें से ये रिक्वेस्ट की गई उन तमाम लोगों के लिए को कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो वापस चले जाएं अपने मुल्क आपको पता है कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ ग्रेट होस्ट फॉर द लास्ट 4 decades तो आपकी इसके बारे में क्या राय है आप क्या सोचते हैं ये ठीक है गलत है हम अपने सुनने वालों की राय भी लेना चाहते हैं अगर आपकी कोई राय है तो फिर कॉल कीजिएगा मेरी आवाज़ तो आप वैसे ही सुन लेते हैं तो गाये बगाये प्रोग्राम में जो है वो हम राय जो है वो अपनी भी बीच में देते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या ख्याल है ठीक है कि नहीं कॉल कीजिए जी अगर आप कहीं भी मौजूद हैं कोई भी राय रखते हैं हर ओपिनियन जो है उसको इज्जत देनी चाहिए ऑल ओपिनियंस आर टू बी रिस्पेक्टेड ये मेरा फंडा है जी के जी लोगों की बात सुननी चाहिए और बात सुनने में हर जी क्या मानना या ना मानना जो है वो आपकी मर्जी है पिछले कुछ सालों में जो पोलराइजेशन हुई है हमारे मुल्क में उसमें ये है कि हमने लोगों को सुनना भी छोड़ दिया है आप एक मखसूस तबके से कोई बात करना शुरू कर देते हैं तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है बहरहाल जी सोनिए को हम लेके आगे चल रहे हैं एक और गाना आपको सुनवाएंगे इसी टाइटल का ये है 20 साल पुराना गीत स्ट्रिंग्स सोनिए और इसका एक पोर्शन बहुत अच्छा है उसको हम आपके साथ मिलके गाएंगे और फिर कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे चंदा देखे चुप जाए चुप चुप जाए हमरा देखे जल जाए दिल ये चाहे तू ना जाए कोई से समझाए रातों की निंदिया तू ही है मंजिल का रास्ता तू ही है दिल ये चाहे तू ना जाए कोई से समझाए तुझको सितारों ने देखा नजारों ने देखा
वो पोर्शन तो निकल ही गया जी, दोबारा हम सुनेंगे उसको। धरती पे तुझको सितारों ने देखा, सितारों ने देखा, वो चोट को जैसे किनारों ने देखा, फूलों को जैसे बहारों ने देखा, नजारों ने देखा, बहारों ने देखा, धरती पे तुझको सितारों ने देखा, नजारों ने देखा, बहारों ने देखा। जी हम प्रोग्राम पे जो कॉल्स हैं वो लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो मैसेजेस आए हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर दिए जाएं। जिन्होंने सुनो लिखा स्पेस दिया, मैसेज टाइप किया और भेज दिया, मैं 8881 पर पहले उनका जिक्र करते चलें। और सबसे पहला मैसेज आज के प्रोग्राम में हमें आया है, भाई मस्ती में भट्टी वाला प्रोग्राम कब लगता है? मस्ती में भट्टी नहीं, मस्ती विद भट्टी, भट्टी सब आजकल प्रोग्राम करते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे शाम 3 से 5 बजे तक, और उनके साथ ही निकर राजा भी होते हैं। जो रात को 10 बजे प्रोग्राम आता था वो अब सुपहर के 3 बजे आता है, तो आप सुन सकते हैं अपने मनपसंद रेडियो सुनो एफएम पर। जिक्र इकबाल हो बाग आज़ाद कश्मीर से, मैंने पहली बार सुन रही हूँ आपको। जिक्रा इकबाल या जरका इकबाल, वट एवर द नेम इज, खुश आमदीद जी, खुश आमदीद। जफर साहब है फैसलाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फैसलाबाद से याद रखा। अच्छा एक मैसेज है, बेनामी मैसेज है, और उसमें लिखा क्या बात है बिलाल भाई, बहुत खुश हैं आप। अच्छा बड़ा मसला है पाकिस्तान में ना, आप खुश हो तो लोगों को खुशी भी हजम नहीं होती। आप खुश क्यों हैं इतना? खैर है लॉटरी लग गई, आप उदास हैं की हुआ है तेनू, इतना उदास क्यों बैठा है? वोटी रुस के चली गई है तो कोई किसी हाल में खुश नहीं है। और क्या हाल है भाईजान, आपका शो बहुत अच्छा है। मोहम्मद समी पाक आर्मी खानेवाल से, तोशीबा रियाज साहब आपको भी शो अच्छा लग रहा है। अता जलानी साहब हैं फैसलाबाद से, और साथ ही उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ करके गाने की फरमाइश कर दी। कैसे कर लेते हैं, कहाँ से सीखा है? शानजा फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर, थैंक यू वेरी मच। और एक फातिमा याया साहब सुनड़ी वालों को मुझ डेडिकेट केटो, ये मैसेज एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही पढ़ा जैसा मुझ तक पहुंचा। सजाद सिंधी साहब है कराची कोयटा टाउन से, और घर इनका नवाब शाह में है और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, और मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, अल्फाज का चुनाव का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओपिनियंस आर इम्पॉर्टेंट बट वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप किसी को बुलाते हैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए और तरीके से बात करनी चाहिए कोई भी मौजू, मेरे भाई प्यार से। तो जी हमारा टॉपिक ये है कि जो हुकूमत ने ये कदम उठाया है, आज कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पर सोशल मीडिया पे कि जो अफगान महाजरीन हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कॉमरेड बोल रहा हूँ, दादू सिंह से। कौन सा बोल रहे हैं? कॉमरेड दादू सिंह से बोल रहा हूँ। सर आपका नाम मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, माजरत के साथ। चलें, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। जी कुछ कहना चाहेंगे मौजू पे? सर ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, ये जो भी पनाहगीर है वो यहाँ से निकलने चाहिए। ठीक, ये आपकी राय कि उनको जाना चाहिए अपने मुल्क में वापस? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुनासिब बात। हमें भी कोई नहीं रहने देता अपने मुल्क में बिला वजह गैर कानूनी। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सर। रिक्वेस्ट हम प्ले नहीं कर रहे इस वक्त, सिर्फ हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया। मैंने आपको पहले प्रोग्राम का आगाज करने से पहले ये गुजारिश की थी कि अगर आपके पास कुछ सब्सटेंस वाली बात है ऐड करने के लिए, कोई गहरी बात, कोई अच्छी बात जिससे मेरे भी जो दिमाग के बंद सुराख हैं वो खुल सकें, तो वो आप ज़रूर प्रोग्राम में लेके आएँ। अदरवाइज़ रिक्वेस्ट करने का ये शो नहीं है, क्योंकि एक ही शो हम करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि सबकी फरमाइशों को पूरा करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर भी आपकी फरमाइश हमारी फरमाइश, हमारी फरमाइश आपकी फरमाइश, हम दोनों की फरमाइश एक जैसी फरमाइश, इसी चक्कर में एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप सुन रहे हैं सुन एफएम 89.4।
और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क क्रिकेट सीजन शल वीमुला के साथ लगाए मौके पे चौका कोट स्क्रैच करके जीते यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और SUV जीतने का मौका शल वीमुला तरक्की के सफर में आपका साथी शराय तो जवाबित लागू है सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी सी तैयारी करके आप प्लीज़ प्रोग्राम में शिरकत करें और कभी कभार सिर्फ सुन भी लेना चाहिए कॉल मिल भी जाए तो क्या ख्याल है ठीक है कि नहीं वैसे ही एक गाना जो है मुझे याद आ गया अच्छा मैं गाने के बाद बताता हूँ ये गाना क्यों याद आया जादू है ना जाने कैसे छाया है जो दिल ले और तीर मेरी अखियों का खाया है जो दिल पे नजरों का कनेक्शन नचले एक बार सुन रखिया ने क्यों गुम सुन हुआ दिल लाम गुम सुनिए उनकी निकिस पार तुम सुनिए हुआ दिल लाम गुम सुनिए उनकी निकिस पार तुम सुनिए पता नहीं कौन सा प्रोग्राम था आफ्ताब इकबाल का था या कोई था उसमें वो एक करेक्टर बना होता है वो साहिर लोधी साहब जो हैं उनकी पैरोडी कर रहे होते हैं लव में घूमना वो एक उनका स्टेप था तो वहाँ से मुझे एक्चुअली ये याद आया गाना तो मैंने प्रोग्राम में मेरे सामने आ गया तो मैंने ऐड कर लिया बहरहाल जी कॉलर्स हैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी अहमद भाई मैं लाहौर से सलमा बात कर रहा हूं कैसी हैं आप खैरियत से ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक जी टॉपिक में बात करूं जी जी कीजिए आपके लिए मैं बिल्कुल इस बात में एक जिद नहीं करती कि उनको भेजा जाए वापस अच्छा जी बिल्कुल ठीक है देखिए जब वो आए थे तो हमने उन्हें बहुत वेलकम किया था हम एज एन इस्लामिक स्टेट हमारा फर्स्ट था महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ठीक है जी और उसका सूद ये था कि जब उनकी वॉर खत्म हो गई थी और उनके मुल्क में हालात बेहतर हो गए थे वी शुड हैव मेड एन एफर्ट कि वो लोग खैर खैरियत से अपने मुल्क पहुंचे ठीक ठीक है ना अब उनकी जनरेशन से हम पली बड़ी हैं और वो जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ सारा कुछ बच्चे यहाँ बच्चों को तो अफगानिस्तान में शायद पता भी ना हो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है ठीक है वो अपने आपको पाकिस्तानी अब उनके माँ बाप ने अगर कभी पेपर्स नहीं बनवाया कुछ तो उनकी जनरेशन का तो कसूर नहीं है ना
बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें बात यह है कि ये तो एक रस्म दुनिया है ना कि आपको भी किसी मुल्क में रहने नहीं दिया जाता ना, तो इतना अरसा बहुत सारे लोगों ने पेपर भी बनाए, कुछ लोगों ने नहीं बनाए, अगर इतनी तीन चार दिहाइयों में पेपर नहीं बने तो फिर तो गैर मुनासिब से बात है। तो वो हमने नहीं बना के दिया ना, ये हम हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है और हम लोग इस तरह करते हैं। पाकिस्तान तो बना ही ना, आज भी इनकी जैसे पाकिस्तान बना है, इंडिया से इतने लोग यहाँ पे हिजरत करके आए थे, पाकिस्तानी तो नहीं थे ना, दे वर ऑल इंडियन, पार्टीशन वाला उसको इसके साथ मिक्स ना करें ना। नहीं बात सुने, महाजर तो महाजर ही है ना। नहीं हम महाजर तो नहीं है ना, भी आते हैं चौथी जनरेशन के बाद कहाँ महाजर रह जाते हैं ना आप। मैं वही कहती हूँ ना कि जो फोर्थ जनरेशन के बाद आप उनको यही कह रहे हैं ना कि वापस जाएं। नहीं यहाँ पे तो डिस्कशन ये है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसमें से 13 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनको तो नहीं छेड़ रहे, वो जो आ रहे हैं आई जा रहे हैं अभी रिसेंटली फिर आए हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये तो हमें ये चाहिए ना कि हम अपनी बाउंड्री बंद, अब ये पूरी दुनिया पे ये हो रहा है कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं और लोगों ने एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, हमारे पाकिस्तानी भी जो इलीगल तौर पे मूव होके जाते हैं, आई नो सो मेनी फैमिलीज कि वो जाके वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं और वहाँ के वेस्ट में कितनी कंट्रीज है जहाँ पे पाकिस्तानी जाके सेटल हो रहे हैं। देखें पता क्या ठीक है, मेरी आप जस्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू यूरोपियन, लेट मी कंक्लूड दिस, आप कहती हैं ऐसा करना गलत है। बिल्कुल गलत, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मतलब मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत ही हूँ, मेरी सोच गलत हो, बिल्कुल ठीक, मगर मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डू यू रियली थिंक, आप पढ़ी लिखी खातून है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम मजीद 40 लाख लोगों का बोझ उठा सकें। मेरी बात सुने, अगर मेरी बात दूर ना जाए और अगर आप उसको ये लगे कि मैं स्टीम से हट गई हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि ये जैसे जो बांग्लादेश में लोग बैठे हुए हैं जिनको ना बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा है ना पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि जी वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो बांग्लादेश में रहते थे वो वही रहे, ठीक है, तो वो बात सुने वो लोग कहाँ जाए। ये तो कॉन्टेक्स्ट, बीइंग एन इस्लामिक कंट्री हमारा फर्ज है कि हम मुसलमान लोगों को पनाह में रखें। आपको पता है कि अपने वसाइल को डेवलप करना चाहिए। मेरी बात सुने, आपको पता है कि रफा बॉर्डर जो है मिस्र ने कितने दिन बाद खोला फलस्तीनियों के लिए? खुल गया ना? नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट, पॉइंट ये होता है कि देखे अफगानिस्तान में कश्मीर में गुफ्तगू करने के लिए बड़ा वक्त होना चाहिए, बट थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का, मेरी ओपिनियन यही है कि नहीं, ठीक है जी, नहीं, मैंने तो कहा कि ऑल ओपिनियंस आर टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है जी, मैं एज एन एंकर जो है ना अपनी पर्सनलाइज्ड ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ बिकॉज मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, मतलब इस तरह नहीं कह रही कि मैं जरूर आना चाहिए, मगर जब मैं पूरी दुनिया के हालात देखती हूँ और हम इतने लोगों को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक बिल्कुल ठीक है, वैसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इसको कोई भी वो कहते हैं थोड़ा सा यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ अ सॉल्ट हियर, वो ये है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे जाके जब आप किसी से पानी की बोतल भी मांग लेते हैं ना, फॉर दैट मैटर ये जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनको सिगरेट मांगने की भी आते हैं, कोई सिगरेट भी नहीं देता आपको। सो हम जिन सोसाइटीज़ को एट टाइम्स आइडियलाइज करते हैं ना कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये बड़ी फलानी हैं, बड़ी अखलाकियात वाली हैं, तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती। बहरहाल जी ये लंबी होगी थोड़ी सी कॉल, इसको थोड़ा सा मैं भी ऑब्जॉर्व करता हूँ, आप भी ऑब्जॉर्व करें, एंड देन आई विल बी राइट बैक, कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे सुन FM 89.4। मेरा ख्याल है मैंने सही गाना चलाया, आई होप सो, मोमिना मुस्तहसन की आवाज़ है, इसको सुनते हैं। सो टॉपिक यह है कि जी जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है अफगान पनाह गजीनों को मुल्क से वापस भेजने का, उस पर आपकी राय क्या है, मेक इट वेरी सिंपल। रंग में आज तू
जाने दे मुस्कुरा के जरा बेखुदी हो जाने दे शाम के रंग में आज तुमको जाने दे मुस्कुरा के जरा बेखुदी हो जाने दे बदले बेखबर ना बदल रास्ता ऐसे इश्क की मंजिले तय करेगा तू कैसे जुल्मों पे आए बात वो कह देना ये लगे दिल की चपाता इश्क हुआ जो तारी तो फिर क्या दुनिया पारी किसके हाथों से ही तुम सारी दुनिया हारी इश्क हुआ जो तारी तो फिर क्या दुनिया पारी किसके हाथों से ही तुम सारी दुनिया हारी फेसबुक पे बड़े इंटरेस्टिंग मैसेज आते हैं लोग टॉप फैन बनने के लिए ना धड़ाधड़ कट्ठे मैसेज जो है वो कर देते हैं आयशा मलिक साहिबा और शाजिया साहिबा जरा ध्यान कर ध्यान थोड़ा सा हल्का हाथ रखें ताकि बाकी लोगों के भी मैसेजेस जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल किए जा सकें क्या ख्याल है ठीक है कि नहीं सो आयशा मलिक साहिबा थैंक यू फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम में आ रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और गुजारिश सिर्फ यही है कि थोड़े मैसेज किया करें ताकि बाकी लोगों के मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल किए जा सकते हैं हाले नूर हैं वेल नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर सर मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल मीठी मीठी कर देते हैं और उनको वापस जाना चाहिए क्योंकि हालात ऐसे हैं तो ये उनका ओपिनियन है कि जी उनको मुल्क से चले जाना चाहिए अब्दुल अनान साहब कह रहे हैं जी आई एम अब्दुल मनान फ्रॉम मर्दान अच्छा अब्दुल मनान बिल्कुल ठीक है सोनिया रफीक जो हैं वो लाहौर से सलाम अब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया सोच समझ के किया होगा उनको ठीक लगा है तो उनको जाना चाहिए ठीक होगा शो इज़ नाइस ये तो आपने वो बात की कि अनवर मसूद साहब मुझे याद आ गए कि कल जो हुआ है दफ़तन उससे मेरा मुकालमा कल जो हुआ है दफ़तन उससे मेरा मुकालमा खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है मैंने कहा कि बज़्म नाज उसने कहा कि क्या कहा मैंने कहा कि कुछ नहीं उसने कहा ठीक है तो अगर आपको उर्दू समझ में आती है तो कल जो हुआ है दफ़तन उससे मेरा मुकालमा खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है मैंने कहा कि बज़्म नाज उसने कहा कि क्या कहा मैंने कहा कुछ नहीं उसने कहा ठीक है तो बस यही है चौधरी मनान है जी अब्दुल मनान के बाद चकवाल से कह रहे हैं कि जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमाए और अफगानिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं उनको पाकिस्तान से अब वापस चले जाना चाहिए राजा बासित कियानी साहब हैं जी बेवफा गाना सुनना चाह रहे हैं किन्ने बेवफा हो तुम क्या गाना था वो उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ मजबूर साहब हैं हाय हम तो मजबूर वफा हैं लेकिन है जाने तमन्ना अपने उस शाक से भी कोई ऐसे करता है क्या था वो खूबसूरत शेर तेरी महफिल को रखे इस खुदा अब तक कायम हम तो मेहमा हैं घड़ी भर के हमारा क्या है इतने मजबूर कैसे इतने मजबूर हो जाते हैं आप कहाँ कहाँ से सीखा है गजनफर खान तमाम सुनने वालों के लिए गजनफर खान मुड़ल फयाज खान मुड़ल शहजाद खान बस्ती मलूक और बस कर जे कि और थोड़ा सा आईडी कार्ड नंबर भी लिख देना था मेरे भाई
और उसके अलावा शाजिया जावेद साहब हमारे साथ हैं जी। और सुनो, लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 888-1 पर। कॉलर्स हमारे साथ हैं जी, लाइन नंबर 2 पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा बताइए, आपका क्या? ने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, ठीक है, उसके लिए दो बातें कहूंगी कि हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, ठीक है, कि अफगानी जो है अफगानीज उनको वापस चले जाना चाहिए, ठीक है, और उसकी ये बात है कि देखें आप किसी मुल्क में लीगल जाएं या इलीगल जाएं, तो अगर आप लीगल हैं तब भी आपके वीजे की लिमिट जब खत्म होती है तो आपको वापस आना पड़ता है, बिल्कुल ठीक। इलीगल हो तो वो वैसे ही आपको जहाज पे चढ़ा देते हैं अगर पकड़े जाएं तो। पकड़े जाएं तो बिल्कुल ठीक है। एक बात दूसरी ये कि हमारा मुल्क भी हमारे घर की तरह ही है, तो एक घर में जितने लोगों की कैपेसिटी होगी तो उतने ही लोग रहेंगे, तो उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर एक बर्डन की तरह थे, ठीक है, हेल्प की है, एक टाइम गुजरा है, एक अरसा गुजरा है, लेकिन ये अगर बात की जाए तो ये इन चीजों के साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत चीजों में आ गई है, ठीक है। दूसरी मतलब कंट्री के जो लोग आए हुए हैं इनसे भी काफी चेंजेस हैं हमारे माशरे में, बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है। तो हम अपने मुल्क को ही लेके आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। आपकी ओपिनियन जो है वो हमने सुन ली है, इसको फिर कंक्लूड करेंगे कहीं जाके प्रोग्राम के एंड में 11:30 के आसपास, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आयशा, आप लाहौर से थी जी, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। आयशा भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं, सलमा भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं। दोनों का ओपिनियन ऑल टुगेदर डिफरेंट था, बट हमारे लिए आपका ओपिनियन मान ही रखता है। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का शुक्र भाईजान, कौन सा बोल रहे हैं? नूरुल्लाह बात कर रहा हूँ। नूरुल्लाह जी? नूरुल्लाह जी, कहाँ से भाई नूरुल्लाह भाई? भाई जान कराची से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? अल्लाह पाक का करम है, ठीक ठाक। आप नए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान मैं टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, इख्तसार के साथ, मुख्तसर यानी के। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो बहुत जबरदस्त फैसला किया है, ठीक है। और वो क्यों आपको लगता है कि अच्छा है ये? क्योंकि मैं खुद इनके साथ पाक आर्मी में हूँ और मैं ड्यूटी करके हूँ, तो मुझे इन चीजों का पता है। किस वजह से? आपका कहने का मतलब है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है जी। आप यानी कि इस फैसले से खुश हुए? बिल्कुल मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ समझो रह के आया हूँ, ठीक है। चलें बस यहाँ पे रोक लेते हैं ना। देखें मैं कहता हूँ कि कोई भी बात है, बात दूर तक निकल जाएगी अगर हम इसको डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नूरुल्लाह भाई की भी ओपिनियन जो है वो हमने सुना है, उनका ओपिनियन सुना है। नूरुल्लाह भाई की भी, ये कौन सी उर्दू बोल रहे हैं अहमद बिलाल साहब? आप क्या हो गया है, कैसे कर लेते हैं? अच्छा अभी वो सलमा हमारी बहन बात कर रही थी ना कि वो हम मुसलमान मुल्क है तो हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको पता है ये सबसे बड़ी जो हमारे ब्रदर इस्लामी दोस्त है सऊदी अरब, वो कितने बंदे डिपोर्ट करता है। उन्होंने नहीं कभी सोचा कि यार ये हम भी मतलब इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है, लोग पूरी उम्मत हमारी तरफ देखती है हरमैन शरीफैन की जानिब से, हम भी थोड़ा सा तर्स खा के रख लेते हैं। सो देर आर रूल्स, कंट्री है, मुल्क है, असूल हैं, कानून है। तो मज़ीद बात करते हैं। आजकल ये गाना बहुत इन है। सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर गया है। सोना भजेंदा
बहुत छोटा अदनान ढोल साहब, इसको थोड़ा सा तवील भी कर देते तो अच्छा लगता। आजकल इस गाने का काफी चर्चा है, मैंने कहा मैं भी चला दूं इससे पहले कि कोई फरमाइश करे। चलें जी कॉलर्स की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम, बिलाल भाई बदर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं जी डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं, आज तो लगता कि गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ जी अल्लाह का शुक्र जी, मैं आवाज क्लियर है अदरवाइज इसको अच्छा है, आवाज गुजारा है, अगर हैंड फ्री उतार दें तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कन्वीनियंट है तो चलते रहे इस तरह ही जी। जी 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 मैंने किया है जी। बहुत बेहतर है, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। गुलाल भाई आप सुनाएं। बस ठीक ठाक, आप बताएं जी आज के मौजू पे आपकी क्या राय है? मेरी राय बड़ी सादा सी है गुलाल भाई, और वो ये है कि अगर तो इस पॉलिसी को अगले 30 साल 40 साल 50 साल टो करना है कंसिस्टेंटली तो फिर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही बिना वजह जो है वो स्टेटस को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर 3-4 साल बाद फिर से फ्लिप कर जाना है फॉर सम ऑड रीजन जिसका लोगों को पता भी नहीं होगा और प्राइस लोग पे करेंगे। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप एक पढ़े लिखे बाशऊर आदमी, आपका लगता है कि ये सिर्फ स्टेटस को मेंटेन हो रहा है कि ये पॉलिसी परसिस्ट करेगी आगे जाके? हमारी पॉलिसीज जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही है, हमारी पॉलिसीज ड्राइव होती है इंटरनेशनल सिनेरियोस पे। तो जब सिनेरियो चेंज हो रहे होते हैं तो हमारी पॉलिसीज भी अनफॉर्चुनेटली चेंज हो रही होती हैं, हम अपने हिसाब से अपनी ग्राउंड रियलिटीज पे तो पॉलिसी बना नहीं रहे होते, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है। ठीक, बिल्कुल मुनासिब बात है। सो यू आर सेइंग इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ वी कैन यू नो टेक इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जी देखिए कोई भी नीड जैक रिएक्शन नहीं होना चाहिए ना, आई एम अज्यूमिंग के इससे पहले जो जहां से बैकलैश आ सकता है लोकल हमारे उनको ऑन बोर्ड लिया गया होगा, उनसे बात की गई होगी, उनको बिठा के प्रोस को डिस्कस किए गए होंगे, मतलब हम तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं। देखें तो बात पता क्या है कि इतने बड़े जो आप एक कदम उठाते हैं ना उस पर फिर आप सारे स्टेक होल्डर्स को मना नहीं सकते, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे मुंह बना के जरूर बैठा होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। मतलब एक मेजोरिटी तो हम ले सकते हैं ना, आई थिंक सारे माइनॉरिटी डिसीजन, देखें मेजोरिटी डिसीजन, कोई भी हुकूमत जो है ना वो अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ऐसा फैसला नहीं ले सकती, कोई भी बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉर्डर पे वो है, उन्होंने सारे इसकी जो है वो गवर्नेंस उनके पास है ना। सो आई एम श्योर कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस दफ़ा उनको लेके मेरा ख्याल है ये फैसला किया गया, बिकॉज आई थिंक ये हाई टाइम है। मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी वाली बात वाला जो पहलू था ये मेरे जहन में नहीं था कि अगर तो ये 2-3-4 दिहाई हो बल्कि मुसलसल इसको लेके चलना है तो फिर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुनासिब बात की आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी, मतलब मुझे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप खुद बेहतर इसको समझते हैं, कोई गलत डिसीजन भी कंसिस्टेंटली अगर फॉलो होता रहे तो लोग बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं उसको। हाँ, लेकिन उनको पता होता है कि किस तरह एडजस्ट करना है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कोई सही डिसीजन भी अगर इनकंसिस्टेंटली उसे अप्लाई किया जा रहा हो तो पीपल ऑलवेज कीप गेसिंग और वो कभी भी कोई उस पे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होते, सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल पे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके प्रोफेशन में ना गलत डिसीजन लिया नहीं जा सकता, आप इस चक्कर में ना रहिएगा। डॉक्टर साहब वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कभी आप तो खैर सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसा वाकया मेडिकल के करियर में पेश आया हो जहाँ कोई सर्जन साहब मैदे का ऑपरेशन किया अंदर को औजार भूल गए हो? नहीं है, कोई मेरे जो करीबी हल्का है उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अलबत्ता इस तरह से जरूर होता है, क्योंकि देखिए जो सर्जन है वो जिस स्टेप पे जाके सर्जरी स्टार्ट करता है उससे पहले की चेकलिस्ट जो है वो नीचे के अमले ने देखनी होती है बहुत सारी। टीम शुड बी वेरी स्ट्रांग, तो वो चेकलिस्ट बड़ी बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो हो रही हो अगर, तो फिर सारी टीम जब मेहनत से काम करती है, तो क्योंकि ओनर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप पे आती है विच इज द सर्जन, बट ये है कि अगर बाकी सब लोग अपना मेहनत से काम कर रहे हैं जितनी मेहनत से सर्जन ने करना है, तो ऑब्वियसली वो फिर दाएं की जगह बायां कुर्ता नहीं निकालता बेचारा। ठीक
ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर ब्रिलियंट रिस्पॉन्स, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहे, थैंक यू। बहावलपुर से थे जी हमारे साथ डॉक्टर बदर मसूद, बाय प्रोफेशन ऑनकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। खूबसूरत बात की, मुझे पसंद आई उनकी बात, कभी कभार आप भी सोच रहे होते हैं एक डिफरेंट यू नो डायमेंशन पर, लेकिन फिर आपकी सोच जो है वो चेंज हो जाती है। बहरहाल जी, थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो खुश्क सी आज हो रही है। वो क्या कहा शायर ने कि क्या करें ससुराल का जो इस कदर वीरान हो, सास के सहरा में आखिर क्या किसी का जी लगे, एक बड़ी साली है वो वीराना साली का शिकार, एक छोटी है वो भी खुश्क साली सी लगे है। अहमद शहीद सुन रहे होंगे कराची में, सो हियर इज या कुर्बान। थोड़ा सा मैंने कहा मैं भी मूड चेंज करूं, कॉल कर सकते हैं हम आज आपसे बात कर रहे हैं कि जो अफगान महाजरीन हैं इनकी जो वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या ये जो इकदाम उठाया गया है आपकी नज़र में कैसा है, ये सवाल है आज का। और पार्टिसिपेट करने के लिए 0511111894। मेरा नाम अहमद बिलाल है, आप सुन रहे हैं सुन एफएम 89.4, और मैं हंस दिया मैं चुप रहा, मंजूर था पर्दा तेरा, कल 14वीं की रात थी शबर रहा चर्चा तेरा। इसको मैं रिपीट पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 30, 40, 50 घंटे सुन सकता हूँ। आप सुन रहे हैं सुन एफएम 89.4। It's 11 PM. This time check was brought to you by Phoenix Battery. किसने कहा था पैसे बचा? Phoenix लगा और भूल जा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद on Suno FM. इस क्रिकेट सीजन शेल वीमोला के साथ लगाएं मौके पे चौका, कोट स्क्रैच करके जीतें यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और SUV जीतने का मौका। शेल वीमोला, तरक्की के सफर में आपका साथी, शरायत और ज़वाबित लागू है। सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ। Tumangi khada ishna laman ispina kana, balpa ghada zangi kitabi suna kana. Tumangi khada ishna laman ispina kana, balpa ghada zangi kitabi suna kana. Tumangi.
जी वेलकम बैक सुनने वालों, दुनिया वालों, जज साहब लौटा दीजिए मुझे मेरी जवानी के 20 साल। अम्मी अम्मी मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया है। नाजरीन आए हम आपको आज ट्रैक्टर ठीक करने का तरीका बताते हैं। ये प्रोग्राम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तावन से पेश किया जा रहा है। नाजरीन ये एक ट्रैक्टर है, इसका रंग लाल है जी। नाजरीन ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अगले दो पहिए छोटे और पिछले दो पहिए बड़े होते हैं। आइए इसके करीब जाके देखते हैं कि ये ट्रैक्टर कैसा है। जी नाजरीन सबसे पहले हम ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा जो है इसको खोलेंगे, जो छोटे पहियों के साथ है, और पीछे वाले जो बड़े पहिए होते हैं इसके पास एक कैसेट और टेप लगती है जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। रूसी तर्ज का ये ट्रैक्टर जो है ये आज हम आपको ठीक करने का तरीका बता रहे हैं। नाजरीन ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तावन से पेश किया जा रहा है। यार हम ऐसे ही प्रोग्राम देखते सुनते जवान हुए हैं, मोहम्मद अली साहब की ऐसी फिल्में ऐसे ही डायलॉग। आए नाजरीन आपको दूसरे प्रोग्राम की जानिब लेके चलते हैं, आपको बताते हैं जी रेशम के कीड़े कैसे पाले जाते हैं। अगर यही प्रोग्राम सुहेल वड़ाइट साहब कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, वैसे सोचने वाली बात है। व्यूअर्स आज हम आपको ट्रैक्टर ठीक करने का तरीका बताएंगे। ये एक ट्रैक्टर है, ये लाल रंग का होता है। अगले दो पहिए छोटे और पीछे वाले दो बड़े होते हैं, तावन है इस प्रोग्राम के लिए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। ट्रैक्टर के पिछले पहियों पे जो टेप लगाई जाती है उसकी आवाज़ ड्राइवर को नहीं आती। फिर ड्राइवर से सवाल करते हैं, जब आपको आवाज ही नहीं आती तो ऐसी टेप लगाने का क्या फायदा, क्या ये खुला तजाद नहीं है? यार पता नहीं आज पता नहीं कौन सी बातें याद आ रही हैं बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन सा बोल रहे हैं? साहिल परदेसी फ्रॉम शक्कर। जी साहिल, और वो भी परदेसी। जी जनाब कैसे हैं आप? बिलाल भाई ठीक है, खैरियत से हैं? दो मुख्तलिफ लफ्ज साहिल और उसका ताल्लुक परदेश से, कहां से सीखी हैं ऐसी बातें, कैसे कर लेते हैं? जनाब आप जैसे भाइयों को सुन सुन के अपने आप को आप जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आपके घर जब मेहमान आता है क्या आप उसको रोटी का पूछते हैं? सर जरूर, ये तो एक हर एक इंसान का फर्ज है, मेहमान एक रहमत होता है और मेहमान से पूछना चाहिए। सुना है मेहमान, पूछना क्या? जी जी पूछना क्या चाहिए सर, वो आए तो जारी बात है हम खुद ही उसकी खातिरदारी में खुद ही सर उसके आगे आके रखना चाहिए कि भाई ये बिस्मिल्लाह करे खाना खाए। हम साहिल परदेसी के घर मेहमान बन के गए, पहले दिन दाल, दूसरे दिन भी दाल, चौथे दिन भी दाल, आठवें दिन भी दाल, कैलेंडर की तारीखें भूल गई, दाल की तारीख याद रही। कैसे हैं साहिल आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप जैसे भाइयों की दुआएं। जी साहिल भाई मौजू पे आ जाएं। जी जी मेरे तो चुटकुले चलती रहेंगे। मौजू सुना आपने आज का? सर बस आपने नंबर जो बताया मैं उसी में गुम हो गया, मैंने मौजू नहीं सुना है जी। आज हम आपसे बात करने का काफी दिल कर रहा था। जी जी आज हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रैक्टर के अगले दो पहिए हैं वो छोटे क्यों होते हैं और पिछले दो बड़े क्यों होते हैं? सर वो इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि आगे से स्ट्रिंग जो कभी टन को इधर उधर घुमाने के लिए छोटा ही टायर आगे से काम करता है, क्योंकि वो अगर गाड़ी कभी लोड से होती है ना तो उसको आगे वाले टायर ऊपर भी हो जाते हैं कभी कभार। अच्छा अच्छा यार आज हमारा मौजू ये था कि जो बहुत संजीदा मौजू था तो मैं बीच में थोड़े चुटकुले सुना रहा था, वो मौजू ये था कि अगर ये जो हुकूमत ने एकदम उठाया, सीरियस बात अब कर रहा हूँ,
جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ملک سے واپس بھیجا جا رہا ہے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن, آپ کے خیال میں یہ اقدام کیسا ہے؟ اگر سر دیکھیں, اگر ہمارے حکومت نے یہ اقدام اٹھایا تو بہتر بھی ہوگا, ویلڈ بھی ہوگا, لیکن ہاں اس بات پہ ہم تھوڑے سے متفق نہیں ہیں. اگر جو بے بس ہیں, جو اپنے حالات کی وجہ سے یہاں پہ آ کر جو شفٹ ہو گئے ہیں, تو پھر ان کو کچھ رعایت دی جائے. باقی جو ظالم لوگ ہیں, جو مطلب جن کے اوپر کیسز ہیں, کرمنل ہیں, ان کو لازمی واپس بھیجا جائے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کی بات. جیسے کہ فلسطین میں بھی اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, تو ابھی ان مہاجرین کو کہیں بھی کوئی پناہ نہیں دی جا رہی. جی ہاں نا, تو سر ویسے بھی حالات ہوتے ہیں نا, تو بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم کرے, اپنے حبیب کے صدقے ہمارے پاکستان کی خیریت کرے, اور دشمنوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو نست نابود کرے, اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا, اور پاکستان کے دشمن جو ہمیشہ خواب سینے میں سمائے رکھیں, اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو تباہ اور برباد کر دے گا. ٹھیک ہے باس, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا سر, میں دو لائنیں اگر اجازت دیں گے پوئٹری کی تو ضرور. جی ضرور ضرور. ارشاد سر, وہ یوں ہے کہ زخم دینے کا انداز کچھ ایسا ہے, زخم دینے کا انداز کچھ ایسا ہے, زخم دینے کا انداز کچھ ایسا ہے, زخم دیکھ کر پوچھتے ہو بحال کیسا ہے, زخم دیکھ کر پوچھتے ہو. کیا کرنا یارا, ٹھہرو مطلب رک جا, ساری دنیا کا مزاج ایک جیسا ہے. شیر کی چاس تو لینے دو یار, دوبارہ پڑھو, آہستہ پڑھتے ہیں شعر محبت سے. چلو ٹھیک ہے, آپ مصرع پڑھو, میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر, کہتے ہیں زخم دینے کا انداز کچھ ایسا ہے, زخم دینے کا انداز کچھ ایسا ہے, زخم دیکھ کر پوچھتے ہو حال کیسا ہے, زخم دیکھ کر پوچھتے ہو حال کیسا ہے. کسی گلا کیا کرنا یارا, کسی ایک سے گلا کیا کرنا یارا, یہاں ساری دنیا کا مزاج ایک جیسا ہے, یہاں ساری دنیا کا مزاج ایک جیسا. بے وزن ہو گیا تھوڑا مصرع, آپ کے اپنے اشعار تو نہیں ہیں؟ جی سر. آپ کے اپنے تو نہیں ہیں یہ اشعار؟ جی جی سر. ہاں تھوڑا سا بے وزن ہوا ہے, اس کو کسی اچھے استاد سے ٹھیک کروا لیں. چلو کوشش کریں. چلے بہت شکریہ ساحل ہمارے ساتھ تھے جی, کافی لمبی کال تھی, سکھر شہر سے تھے. ایک سال رہا ہوں تقریباً میں سکھر شہر میں, چھوٹا سا خوبصورت سا شہر پاکستان کا, بتی جاندی سی تے آن دا نا نہیں لیندی سی, پانی جاندا سی تے آن دا نا نہیں لیندا سی. اور پھر اس میں مجھے ایک بات یاد آتا تھا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ بات مجھے وہاں پہ اکثر یاد رہتی تھی. تھوڑا سا موڈ کو چینج کرتے ہیں. اسپینش Ricky Iglesias. تھوڑا سا سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کریں گے آپ کے ساتھ. 051-111-8994. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca, una noche loca.
aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. सुना FM 89.4 और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क. इस क्रिकेट सीजन शेल वीमोला के साथ लगाएं मौके पे चौका, कोट स्क्रैच करके जीतें यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और SUV जीतने का मौका. शेल वीमोला, तरक्की के सफर में आपका साथी. शराइत और ज़वाबित लागू है. सुनो FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गपशप अहमद बिलाल के साथ. ऑलराइट जी, वेलकम बैक. तो इस जो टॉपिक को थोड़ा सा क्लोज करते हैं जी. प्रोग्राम अब दूसरे हाफ में जो है वो चला गया है. आपको बताते चलें कि ये जो इकदाम है इसको ज़्यादातर लोगों ने जो आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा इकदाम कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बहुत खुशाइन है और हुकूमत ने जो है इसके लिए काफ़ी इंतजाम भी किए हैं और ये मेरे ख्याल है दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है. वहाँ भी आप एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है, जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे आबाद हैं उनको वहाँ जाके बसना चाहिए. और आपको पता है कि 16 तारीख को 2871 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए, जिसमें तकरीबन 441 मर्द, 238 खवातीन और 1242 बच्चे शामिल थे, जो कि तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान गए. और मेरा ख्याल है कि ये जो लोग रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं अपने मुल्क, ये अच्छी बात है, इनको जाना चाहिए क्योंकि वो उनका मुल्क है. बहरहाल बहुत सारे इसमें चीज़ें लोगों ने कही हैं और हुकूमत जो है वो ये इंश्योर करिए कि बड़े रिस्पेक्ट से उनको वापस भेजा जाए, जिस तरह हमने उनको इतने साल अच्छे तरीके से रखा है, उनकी मेहमान नवाजी की है, उनको अपने घर में जगह दी है. और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत ने कदम उठाया ये उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए. तो ये छोटी सी बात जो है इस पे हमें करना है. थैंक यू वेरी मच आपकी पार्टिसिपेशन का इस सेगमेंट में, बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हमें जिक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है फ़लस्तीन के लिए क्या हो रहा है. सो पाकिस्तान फ़ौज और NDMA ने मिलकर जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमदादी सामान जो है भेजने की कोशिश की है. इसमें 1000 खेमे हैं, 4000 कंबल हैं, 3 टन अद्वियात शामिल हैं. और इससे कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहाँ पे इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं उनको फौरी रिलीफ मिले. और पिछले दिनों पाकिस्तान में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने, आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा था कि जी फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत हासिल है. और हम अपने तौर पे भी फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं. जो कुछ इसराइल कर रहा है ये यकीनन काबिल मज़म्मत है
और हम सफारती सतह पर भी एहतजाज कर रहे हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है, बहुत सारे कैंप लगे हैं, बहुत सारी एन जी ओज हैं जो कि काम कर रही हैं, आप भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो है वो मदद कर सकते हैं। और मैं बड़ी अच्छी बात जो हमारे मौलम साहब कह रहे थे नमाज जुमा में, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मजम्मत करें, और अगर आप उनको इकनॉमिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके तो ज़रूर करें। ये भी यही एक किस्म का जो है आपका हिस्सा जो है वो शामिल हो जाएगा उस लड़ाई में। सो फ़लस्तीनियों के लिए मुतद्दद मुस्लिम ममालिक ने इमदाद जो है वो भेजी है और रफ़ा बॉर्डर जो है वो कल खुला है कहीं जाके, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से गज़ा एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे जाके ये इमदाद जो है वो पहुँचाई जा सकती है। सो ये मोटी मोटी बातें हैं जी, कुछ हमने ज़िक्र कर लिया कि इस वक्त जो एक सानहा एक ट्रेजडी चल रही है दुनिया भर में जो कि फ़लस्तीन की लड़ाई है इसराइल के साथ, और फिर जो है क्या कहते हैं दूसरी जो जिक्र था वो अफगान महाजरीन से मुतालिक था। सो थैंक यू वेरी मच। दो तीन कॉलर्स हम और लेंगे और उसमें फिर हम ये करेंगे कि हल्की फुल्की गपशप लगाएंगे। लेकिन ये जो दुनिया है, मैं कल भी एक मेरे उस्ताद हैं उनके साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, जिना सुपर में हम बैठे चाय के कप पे बात हो रही थी, तो वैसे ही ज़िंदगी में आने वाले कुछ सालों के हवाले से बात हो रही थी, और फिर मैं शाम को आज वालदा के साथ बैठा हुआ था और चाय के कप पे यही बात हो रही थी आने वाले दिनों की, तो मेरी वहाँ ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे बड़ी लंबी उम्र दे। तो माँ की दुआ तो फिर आपको पता है, हमारे पास तो जो कुछ भी है अपनी वालदा की दुआ की तो फैल ही है। तो उन्होंने जब मुझे दुआ दी तो मैंने कहा अम्मी आपको पता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो जीना बड़ा आसान होता था, इतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ती थी, इतनी आगही नहीं होती थी। अब इतना कुछ हो रहा है, कभी हम ख़बरें सुन रहे हैं, कभी घर के मसले हैं, कभी ये इंटरनेशनल मसाइल हैं, कभी मुल्क के मसाइल हैं, जीना जो है बड़ा महाल हो गया। और इस जीने में जो चीज़ हम भूल गए हैं वो खुश रहना और मुस्कुराना है। और ये आप यकीन करें इस उम्र में जो मैं हल्की फुल्की बातें ये जो करता हूँ ये सिर्फ़ आपके दिल को बहलाने के लिए होती हैं। कुछ लम्हे को मैं आपके साथ बहल जाता हूँ, आप मेरे साथ बहल जाते हैं, 12 बजे नहीं तो फिर ज़िंदगी वापस अपनी डगर पर। साहिल पे खड़े हो तुम, तुम्हें क्या मालूम साहिल पे खड़े, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुम सा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, वादा परामोश मैं तुझ साथ तो नहीं हूँ।
मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, तमाशा ए वादा फरामोश मैं तुम साथ तो नहीं हूँ। हाय क्या गहरी बात है ना, सोचने की बात है। चले एक दो हल्की फुल्की कॉल्स लेते हैं, गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरा हाथ दुख गया। हेलो, आपका क्या हो गया? मुझे तो आपका गला दुखा हुआ लग रहा है। कौन बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? समीना। समीना गुस्से में क्यों? लाहौर से बात कर रही हूँ। गुस्से में क्यों है? गया। अच्छा, बहुत सारी औरतें हैं ना, जब गैस चली जाती है 10 बजे गुस्सा करने लग जाती हैं। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं मिला हूँ। आप कौन सा पुराना फोन रखा हुआ? आप तो सिर्फ एक रीडायल करना होता है। मेरे पास सेल फोन बस एक ही है। अच्छा चले, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बताइए कैसा दिन गुजरा आपका? अल्लाह का शुक्र है, इंडिया जीत गया। इंडिया ने तो जीतना था भाई, विराट कोहली असल में कमाल बैटिंग की। आज फिर हमारे बाबर भाई जो हैं वो कुछ करेंगे, कल हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं कहीं। दुआ करेंगे। मैं दुआओं पे चल रहा है सारे कुछ हर चीज दुआ पे है। मेरे लिए दुआ कर दें भाई, तू आप भी तो कुछ करना, दुआ तो कर ही देंगे ना, क्या ख्याल है? नहीं, अच्छा चले, ये टॉपिक हमने क्लोज कर दिया अभी फिलहाल ना। कोई और अच्छी बात सुनाए, कोई शेर सुनाए, कोई और बात करें। कोई गाना सुना दो। हाँ बताएं। ट्रैक्टर आपने वो प्रोग्राम देखा हुआ, ट्रैक्टर में जिसके चार पहिए होते हैं, एक दो बड़े दो छोटे? अच्छा, मैं खवातीन मानेंगी भी ना, वो कहेंगी उम्र का पता लग जाएगा। ठीक है, टीवी नहीं देखा आपने बचपन में भी? टीवी देखता शौक नहीं है। शौक चले, अच्छी बात है। और बताइए लाहौर का मौसम कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, स्मॉग कैसी है? अल्लाह का शुक्र सब सही है। सब सही है, आप भी सही रहें, जीती रहें, खुश रहें अपने खर्चे पे। खुश रहें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। समीना थी लाहौर से हमारे साथ। हर महफिल में कोई एक ना एक दोस्त ऐसा होता है, जब बिल आता है और दोस्त खाने पे बैठे हो तो उसका टेलीफोन जरूर आता है। यार मैं फोन सुन के आया, मैं आया बस, बाद में आगे पूछता है कि हाँ भाई वो बिल दे दिया। अच्छा तुमने दिया? अहमद बिलाल, अच्छा जज़ाकअल्लाह। और कह के होता है ना, ऐसा भी होता है, होता है, बिल्कुल होता है। एक और कॉलर से बात करते हैं, हल्की फुल्की गपशप। हेलो, सलाम वालेकुम। वास्सलाम, की हाल है भाईजान? बिल्कुल खैर है, तुम भी सुनाओ, ताड़ा की हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आपकी आवाज क्यों कम कम आ रही है? मेरी आवाज पूरी आ रही है जनाब। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? आपका नाम क्या है? राइज नहीं बैठा जी। अच्छा अच्छा, तुसी भी अपने अंदर दे नासर चनियोटी नु फौरी जगा लिया है, रिलैक्स करो। जी रशीद साहब, कितों कितों रशीद साहब? कसूर तो जी बुल्ले शाह दी नगरी आके है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा दिन गुजरिया ताड़ा? शुक्र है अल्लाह दी जात दा, बिल्कुल ठीक गुजरे। ठीक, की खादा आज जी? मैं कह रोटी जे की खादा है राती? बिल्कुल जनाब, राती आज खादा सी आलू खादे सन जनाब। हां बिल्कुल, आलू दी तरह गुस्सा कर रहे हो जी रशीद साहब, की कहना चाहोगे? मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, उसे किसी से मोहब्बत नहीं है किसी के सिवा। हर किसी से प्यार करता हूँ किसी के लिए। ओए होए, आगे
सड़क ही बंद है अगे आगे सड़क बवजा मरम्मत बंद है ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਦੇਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਹਾ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਮਾ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਤੇ ਆਹੋ ਸੱਜਣ ਝੀਕ ਦਾ ਮਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਸ ਵੇ ਪਾਂਦਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਪੀਤਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਰੇਤ ਤੇ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੋਤੇ ਤੇ ਗਛੀਆਂ ਸੱਜਣ ਬੱਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਜਣ ਛੁੱਟ ਘਰ ਆਵੇ ਖੈਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਿਆ ਬੁੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੱਛਾ ਬੂ ਇੱਕ ਦਿਨ एक छोटी सी ब्रेक है आखिरी फिर वापस आता हूँ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो एफएम इस क्रिकेट सीजन शल वीमोला के साथ लगाएं मौके पे चौका कोड स्क्रैच करके जीतें यकीनी मोबाइल बैलेंस और बजरिया कुरानदाजी सोने के सिक्के और एसयूवी जीतने का मौका शल वीमोला तरक्की के सफर में आपका साथी शराइत और जवाबित लागू है नहीं और आपको याद होगा एक दिन शायरी थी तो वो डॉक्टर बदर साहब आए थे तो उन्होंने एक पंजाबी की शायरी सुनाई थी वो मैंने फिर उनसे मंगवा ली थी तो मुझे अभी याद आया ये रशीद भाई की कॉल सुन के कि सबनों आपो अपनी पहिए सबनों आपो अपनी पहिए हर कोई आपो अपने लिए दिल ने अखियां कोलों पुछया है आज दी बारिश कैसी रही है वाह वाह दिल ने अखियां कोलों पुछया आज दी बारिश कैसी रही है किधर जाए किधर जाइए किन्नू मिलिए सारे शहर दी बत्ती गई है तो साढ़े दुख ते जग दा हासा गैर मुइना मुद्दत लईए वाह वाह अंदर पांडे खिलरे पे ने जिस दिन दियो लड़के गई है ओदा पिछे मुड़ के तकना दिल नू अगे टोरन लईए वक्त के हाथों वाह अंदर पांडे खिलरे पे ने जिस दिन दियो लड़के गई है ओदा पिछे मुड़ के तकना दिल नू अगे टोरन लईए मजबूर आदम दी कोई जात नहीं हुंदी रब दी खलकत इको जई है काश्त कारा पले कुछ नहीं हाला साडा मुल्क जरई है वाह वाह गुरबत तंगी दे अन पड़दा सब कुछ थलड़े तबके लई है कल सकी मां तो वद सी आजकल हर एक थां मत रही है वाह वाह रावी विच पानी कोई नहीं ते गुलशने रावी डुबी पई है रावी दे विच पानी कोई नहीं ते गुलशने रावी डुबी पई है मुस्तर क्यों मुझे दे ओदी जुती ते ऐ पई है लगदा है मेरे मेरी पाके गई है सुरमा पाके आजा अड़िए आज दी साम बड़ी सुरमई है ओदी जुती ते ऐ पई है लगदा है मेरी पाके गई है मैं भी नहीं अड्डा संजीदा ओ भी ऐ भी करदी पई है वाह 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 यार ये कमाल मतलब ये डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि किसकी शायरी थी अंदर पांडे खिलड़े पे ने जिस दिन दी ओ लड़के गई है ओदा पिछे मुड़ के तकना दिल नू अगे टोरन लई है रावी विच पानी कोई नहीं ते गुलशने रावी डुबी पई है कभी कभी आप जब थोड़ी सी डिफरेंट चीज पढ़ते हैं तो डिफरेंट चीज भी सुनते हैं पता नहीं इस गाने में ऐसा क्या है
कभी कभार मेरे दिल को लगता है कि आंखों में एक गहरा सा सपना सजाकर, कानों में कोई हेडफोन लगाकर, मुंह को बस ताला लगाकर इसको सुनता चले जाऊं, चला जा रहा हूं इसको सुनते सुनते। दिल को यूं अपने जलाते रहे, सपनों में हमको डुबाते रहे, जिया ना जाए तुम्हारे बिना। दिल को यूं अपने जलाते रहे, जलाते रहे, सपने भी हमको दिखाते रहे। चीज़ों की पसंदीदगी की कोई वजह नहीं होती, कुछ चीज़ें बस यूं ही अच्छी लगने लग जाती हैं। कभी कभार बहुत तेज़ धूप होती है, बाहर गर्मी का मौसम होता है, लेकिन आपको वो मौसम अच्छा लगने लग जाता है। कभी कभार कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट करने को दिल करता है, हालांकि कोई वजह नहीं होती। हर चीज़ में वजह तलाश भी नहीं करनी चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? लास्ट टू कॉलर्स जी, कौन है कॉलर नंबर वन? अरे आप किधर चले गए, मैं तो आपसे बात करना चाह रहा था। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। कौन सा बोल रहे हैं? मोहम्मद शाबान साहब, वही मुल्तान वाले? यस यस। मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लिया। कैसे हैं आप मोहम्मद शाबान? आज बताएं क्या पका हुआ था आपके होटल पे जी? आज क्या खाया पिया है मेरे दोस्त भाई जान? अभी तो दाल सब्जी में आए हुए हैं कि ये चांप और कबाब खा खा के ना मुझे खारा शुरू हो गई थी, वो मैंने छोड़ दिया अभी। अच्छा चले, मैं तो आप टींडे खा के आया। अच्छी मजाक करता है बिलाल भाई, मजाक से? नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा यार, मुझे बहुत पसंद है देसी टींडे यार। नहीं वैसे भी आपकी बातें अच्छी लगती हैं यार। वो कहते हैं ना कि कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम ते ला ला लागे बह बह थक गया ते टींडिया वांगो पक गया ते हो भी नको नक गया। सही है। और बताएं कैसे आप? खैर खैरियत से? अल्लाह ताला का एहसान है। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र। कैसी लग रही है आपको मेरी आवाज से तबीयत? पहले जैसी नहीं है। क्यों? या तो मेरी हैंड फ्री में मसला आ रहा होगा। हाय आपकी हैंड फ्री, मैंने तो आज इतना मजाक किया है, ट्रैक्टर के पहिए आपको बताए हैं रेशम के। बिल्कुल, वो मैं हंस रहा था, वो मैं हंस रहा था बिल्कुल। एक तरफ तो हंसना और फिर ये कहना कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या ये खुला तजार नहीं है? सही कह रहे हैं बिलाल भाई। ठीक है, और बताओ कोई नई ताजी? कल पाकिस्तान मैच जीतेगा अफगानिस्तान से कि नहीं जीतेगा? मैंने आपको एक शेर सुनाया था पाकिस्तान टीम के खिलाफ, मैंने कहा इंजन की खूबी ना कमाल है, ड्राइवर बस खुदा के सहारे चली जा रही है। भाईजान ये जो हमारे खिलाड़ी ना, हम ये गुब्बारे जैसे होते हैं। छोटी हाँ। में मिसाल सुनाता हूँ आपको। हाँ, सुनाओ सुनाओ। तो एक इंसान होता है गांव का रहने वाला होता है, उसे धनु बुलाया जाता है, धनु, हर कोई उसे धनु कहता है। इस नाम से वो बहुत तंग होता है, वो कहता है इस शहर को छोड़ के ना अपने को कहीं और चला जाता हूँ, चलो मेरी इज्जत बन जाएगी। ठीक। तो वहां जाके स्टेशन से उतर के ना एक साइड पे सो गया, तो उसने कहा चलो मैं आज थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, बाद में मैं चला जाऊंगा। तो एक एक आदमी गुजरता है वहां से, तो उसके सर के ऊपर से वजन सा होता है थोड़ा, वो अड़ता है तो उसके पाँव के साथ में गिर जाता है, वो उसके मुंह से वो ही अचानक लफ्ज निकलता है धनु। तो तू क्यों यहाँ ये कर रहा है? वो कहता है यार मैं वहां था तो ऐसा था, यहाँ हूँ तो ऐसा हूँ। ये हमारे बाबर आजम जो है ना, ये ऐसा ही रहेगा भाई, इसने छोटी मोटी उम्मीद तो नहीं हम जीतेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया। अच्छा, चले शबान, टाइम बहुत हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम कॉल करना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल ऑफ फॉर टुनाइट, नंबर है 05111111894। हेलो, वालेकुम सलाम। आज की आप आखिरी कॉलर है, थोड़ी जरा खनक से बात करें। बात कर रही वो नज़म वाली तो नहीं है मेरी बहन? बेटा नज़म नहीं सुनानी आज, नहीं आज मैं नहीं सुना रही। खुदा के लिए बेटा, मैं दो दिन बड़ा परेशान रहा हूँ आपकी नज़म सुन के, यकीन करो। हाँ मुझे अपना ज़हनी इलाज कराना पड़ा, मैं दो तीन दिन रातों को सोया नहीं, नींद में बड़बड़ाता रहा। नज़म इतनी लंबी थी ना, मैं सो भी गया था, इधर सो गया था, घर जाके नींद नहीं आई। जी अरीबा बेटा बताएं कल कौन जीत रहा है? कल इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान। ये तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। लेकिन देखिए अब ये तो हम पाकिस्तान में भी यही चाहिए, लेकिन देखिए सिर्फ कहने से वाकई कोई नहीं जीतता, परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी, हमें सही बैटिंग प्लान के साथ जाना पड़ेगा। हाँ। और फिर हमारे बॉलर्स को भी कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है ना, उसे देख ही हमारा तरह निकल जाता है, फिर हमारे टीमें छूट जाते हैं, ये टीम कोलैप्स कर जाती है। ठीक है बेटा, अब आपने मेरा भी एक काम करना है, क्या आपने आज वादा करना है कि आप पूरे वर्ल्ड कप पे कोई नज़्म नहीं लिखेंगी, शायद हम मैच जीत ही जाएं? मेरी नज़्म लिखने से तो मैच नहीं आ रहे ना। हो सकता है वो आपकी नज़्म सुना दी हो किसी ने टीम को। अच्छा चलिए फिर मैं अब उसे नज़्म नहीं लिख, वैसे भी मैंने फिर जब आपने नज़्म का कबाड़ा बनाया था, मैंने सोच लिया था मैं नज़्म नहीं देख ली। क्या कहा था मैंने आपकी नज़्म पे? एक बिल्ली थी आती थी और मजे से डिंग डोंग गाती थी, डिंग डोंग डिंग डोंग। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा तहिया किया, इस पे कायम रहिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे
जी जी मैं वैसे बुक लिखूंगी, नजर नहीं लिखती, मैं पूरी बुक लिखूंगी। वो आप लिखती कोई अफसाना है जिसको आप नज्म कहती हैं बेसिकली, गलत फहमी में? नहीं, वो तो चले थोड़ी बड़ी होगी थी, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया था। हाँ नहीं नहीं, बस आप लिखे ही ना बराए मेहरबानी, थोड़े दिन के लिए परहेज करें नज्म से। चले जब 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 जीत जाएंगे फिर मैं लिखूंगी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर जरूर, जीते रहे, खुश रहे। थैंक यू, आज की आप लास्ट कॉलर थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हरिपुर से अरीबा थी, रमजान भावलपुर से। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। अहमद बिलाल साहब ही हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे हमेशा इंतजार रहता है, लास्ट 8 अक्टूबर का शो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया था, गुजारिश है चैनल पे अपलोड किया करे। भाई मुझे कोई रिकॉर्ड करके देता है, वो अहमद मुश्ताक साहब है मेरे दोस्त, पहले एक उमर भाई हैं, वो कर देते थे। जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग आती मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास होती नहीं है क्योंकि मैं तो शो करने में मसरूफ होता हूँ। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? साकिब इकबाल चौधरी साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आपको जो तारीफ है हमारे सर आँखों पे, आप लोग हैं तो फिर हम हैं, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं, बस ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती है। इरफान खान मोहाना कह रहे, नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है आपका, अभी तो आपने खुद बताया है कि नाम तो सुना होगा तो सुन लिया। दानियाल दानी साहब हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा आपसे मुलाकात करनी है। ये मुलाकात इंशाल्लाह ज़िंदगी की किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी नुक्कड़ पर हो ही जाएगी। सोनिया रफीक लाहौर से नुसरत साहब को शामिल करें, कोशिश करते हैं जी, वादा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे पास आपके मैसेजेस जो आए हमें फेसबुक पेज पर, और हमारे साथ टेक्स्ट मैसेजेस पे कौन कौन है। सलमा गुलबर्ग लाहौर से, चुटकुलों का बहुत मज़ा आया, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो वेरी मच। सलार खान पेशावर से कह रहे हैं जी अच्छी पॉलिसी है और बर्डन नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। तायरा बलोच हैं जी तुरबत से, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हमेशा की तरह, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम फातिमा है, आप मेरी एक हेल्प करें जी। ये इस तरह जो आप हेल्प मांग रही हैं वो पॉसिबल नहीं होता जी। इस तरह अला नूर अवान साहब है तला गैंग से, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट टाइम शो सुन रहे हैं, वेलकम टू द शो। रहीम बियर खान से आशु हैं हमारे साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बेहद शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। वक्त है जी 11:44, आज है तारीख 22 अक्टूबर साल है 2023, इतवार की शब। आप सुनते हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 पर। की शिरकत का बहुत शुक्रिया, थोड़ा मूड चेंज करें क्या? मैं अपनी राइट स्क्रीन पर देखता हूं तो एक बहुत अपबीट गाना है, और लेफ्ट स्क्रीन पर देखता हूं तो दो स्लो गाने हैं। गाने वाला काम करते हैं, इनी मीनी मैना मो। जी यहाँ से फेडर बंद किया और ये दूसरा फेडर ऑन किया, अच्छा लगेगा आपको। बातें तेरी करते हुए थक सा, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिश।